नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा संभोग वशीकरण मंत्र जिससे आप किसी भी महिला को अपने वश में कर सकते हैं। महिला ही नहीं, पुरुष को भी अगर आप चाहें तो अपने वश में कर सकते हैं। कैसा भी पुरुष क्यों ना हो, कैसी भी महिला क्यों ना हो, आपके इस एक मंत्र से वो आपके वश में आ जाएगी। संभोग क्रिया के लिए ये एक ऐसा मंत्र है जो सिद्ध किया जाता है और उसके बाद इसका इस्तेमाल जिस भी व्यक्ति पे किया जाता है वो व्यक्ति आपके वश में होता है। लेकिन इस क्रिया को आपको सिर्फ एक ही बार करवाना है दोस्तों। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिया है जो की जाती है। मैं आपको इसका तरीका बता देती हूँ कैसे करना है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोस की अपडेट भी तुरंत मिलते रहेंगे, और हमारे इस वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए अब बताते हैं आपको कि कैसे करना है आपको संभोग वशीकरण क्रिया को। सबसे पहले आपको लेनी है दो इलायची लेनी है और आपको लेना है एक लौंग। इन तीन चीजों को लेकर आपको इसी के ऊपर वो मंत्र पढ़ना होगा। संभोग वशीकरण मंत्र जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसे व्यक्ति के नाम और जो सामने वाला व्यक्ति है उसके नाम से सिद्ध किया जाता है। इसीलिए इस मंत्र को हमने अपने वीडियो में लाइव नहीं किया है, मतलब हम डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं। तो जिस भी व्यक्ति को इस मंत्र की जरूरत है, जिन्हें लगता है कि जेन्युइनली वो इस मंत्र का सही तरीके से उपयोग करेंगे, सिर्फ वही लोग हमारे नंबर पर कॉल करके इस मंत्र को पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, तो उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगी कि कमेंट सेक्शन में जो नंबर लिखे हुए हैं उन नंबर्स पर आपको कॉल नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग अपनी समस्या जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख देते हैं। ऐसे में जो फेक हैं लोग, जो कि आपसे सिर्फ पैसे हड़पना चाहते हैं, वो लोग वहां पर आपको अप्रोच करते हैं, आपको फॉलो करते हैं और आपके पैसे हड़पने लगते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कमेंट सेक्शन में जो नंबर लिखे हैं उन पर कॉल नहीं करना है और अपनी जो समस्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में नहीं लिखनी है। आप हमारे नंबर पे कॉल लगाइए और हम आपको आपकी समस्या का सही जो हल है वो बताएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।